इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। सम्राट चौधरी क्या बोलेगा एमएलसी बनने, एमएलसी पर मंत्री बनने वाला, वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के प्रवीण भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से, मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो कुकर्म करने के लिए, कुकर्म का खोज करो ना भाई, पंचम श्रीवास्तव रोहित पांडे तुम्हारे हराने वाले व्यक्ति के आगे भोजन किया, एक आध किलो सोना लेके निकला। सम्राट चौधरी दलबदलू है। सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी, ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नई विकल्प था, इसलिए एक दल में थोड़ो रहा है। वो आरजेडी में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई, उसके बाद अभी एमएलसी बन के जदयू में आए हैं। वो चुनाव लड़के देखेगा मैदान में तब ना, दम नहीं है चुनाव लड़ने का। हम सिर्फ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। वो बयान दिया, चूंकि जिला अध्यक्ष से हटा देगा, टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विरुद्ध बयान दिया। वो खुद दुखित है। अब की बार क्या सोच के गए भोजन करने के लिए? जो रोहित पांडे को हराने का काम किया, 23-23 हजार वोट लाया, आप क्यों ने अंकुश लगाते हैं अपने आदमी पर जो पैसा कलेक्शन करता है? वो गई राजेश वर्मा को, इतना दुकान है, इतना दुकान है कि मत पूछिए, कमी नहीं, 1 किलो दे ही दिया गया, क्या जानते नहीं। लेकिन वहां कलेक्शन 2 पेटी वो लोड करके गए ट्रेन में। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए, हमको क्या निकालेगा? हम तो छोटा कर्मचारी है, सच्चा सिपाही, जब से समता पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ हैं। सिर्फ ढूंढ मिल रहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता के पक्ष में बोलने का काम करता हूँ। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। हमको हटाने का क्या बात? हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कौन हटाने वाला है? उसके कहने से हट जाएंगे? हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे, लेकिन बोलने के लिए चुके अन्ना हजारी वाला काम कर देंगे हम, हमको हटा देगा ना, सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। डिप्टी सीएम उन लोगों के साथ भोजन किया, हम लोग 10 हजार रात तक बैठे रह गए, वो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में नहीं गई, तो गुस्सा यहीं से पैदा। और क्या किया उस टाइम में जानते हैं? एक बार पहले जो गए थे वो लोगों को, अब करीब 52 घर फंसा हुआ है, जो खरने धार बोलता है नवगछा के बगल में, जल उसी में गिरता है नवगछा का, वो 52 घर टूटने वाला, आज से नहीं 10 साल से प्रक्रिया चल रही है, टूटने वाला है, इसका पैरवी करने, नहीं टूटने देंगे, इस एसडीओ को भगा देंगे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के प्रवीण भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पंचम श्रीवास्तव कई घर है, पंचम श्रीवास्तव कई घर है बताइए ना, उनकी मम्मी दीदी क्या बोलती है, सुधा श्रीवास्तव बनती रही गौता ने वोट देते रहा, इनका क्या औकात है, क्या हस्ती, क्या बयान देगा मेरे बारे में भाई, क्या दे सकता है? गलत बात, अब ज्यादा मत बोलो, ये बहुत बात हम बोल देंगे।